चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर ले रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काम आएगा। तो वन शॉट टाइप में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली डील किया हुआ है ना, तो उसी में NCF वाला एक छोटा सा सेक्शन हमारा बच गया था, और वो आप लोग के परसों जो पेपर है उसमें उसका पार्ट है, तो मैं करा देता हूँ ताकि इसके एक दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। अति अनिवार्य है कि इसके पेपर में आपके एक दो सवाल देखने मिल ही सकते हैं, तो निपटा देते हैं इसको भी। और सिलेबस का तो पार्ट है ही, आगे भी काम आ जाएगा। चलिए, तो फिर NEP और NCF से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ओरिएंटेड पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। चलिए, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम बात कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि अभी तक भारत में 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जिसमें सबसे पहली बार जो एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म हुई थी वो 1968 में हुई थी। प्रथम शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। फिर उसके बाद 68 को पलट देना तो क्या बन जाएगा? 86। तो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986। डाटा एकदम ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 1986 की बात हो रही है, 1984 में तो आपको पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में राजीव गांधी जी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी के टाइम में आई। और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 2020 में आई, जिसपे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये हमारे 3 एजुकेशन पॉलिसीज हो गई। अब इन एजुकेशन पॉलिसीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का तीसरा वाला, क्योंकि लेटेस्ट है। इससे रिलेटेड मैंने 3-4 आप लोग को अलग से फैक्ट्स पढ़ाए थे, जिसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सर, ये जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, ये कब से लागू हुई है? 29 जुलाई 2020 से। ये कब से लागू हुई है? तो भाई साहब, 29 जुलाई 2020 से। कौन सी कमिटी ने इस पे पूरी रिपोर्ट या सारी चीजें मसौदा तैयार किया? तो कस्तूरी रंगन, ठीक है। कौन? कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन कमेटी। इसरो के आपके वैज्ञानिक है ये, ठीक है। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसकी अध्यक्षता की, और इसे लागू कब किया गया? तो 29 जुलाई 2020 में। कब तक बन के तैयार हो गई थी? तो बन के तैयार हो गई थी 30 मई 2019 तक। फिर 1 साल के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के सुझावों के लिए इसका पोर्टल ऑन किया गया था, सारे सुझाव लिए गए, और फिर 1 साल बाद 29 जुलाई 2020 को ये लागू की गई। पहला स्टेट कौन था इस? तो सर, पहला स्टेट था उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया। दूसरे स्टेट की बात करेगा तो तमिलनाडु। अभी वर्तमान में सबसे नवीनतम स्टेट जिसने NEP को एक्सेप्ट किया है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है, जुलाई 2024, ठीक है, जुलाई या अगस्त 2024 मान सकते हो। तो वर्तमान में वो राज्य जिसने तुरंत हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है, उसके रूल्स को अपनाया है, वो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, और क्या क्या बातें हैं। तो चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं। तो पहला तथ्य आप देख सकते हो कि सर, जो फर्स्ट हमारा इसमें क्लॉज है कि सर, ये शिक्षा नीति 34 वर्ष के बाद जारी हुई। ये जो आपकी पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में थी, दूसरी वाली 86 में थी। 86 से 2020 मतलब कितने सालों का अंतर आ रहा है जी? 34 सालों का अंतर आ रहा है, 34 वर्ष का अंतर आ रहा है। एक चीज और है, इसमें संशोधन किया गया था 1986 वाले में, थोड़े से क्या किए गए थे? रिफॉर्म्स किए गए थे, संशोधन किए गए थे। वो संशोधन कब हुए? 1992 में, ठीक है। संशोधन कब हुए थे? 1992 में कि 94 में, देख लेना, ठीक है, 92 ही था, ठीक है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो वही फैक्चुअल बातें देख लेते हैं कि द्वितीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ था 92 में। अच्छा, जो NEP 2020 है, तो NEP 2020 में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना रहना चाहिए सर? 1:30, ठीक है।
और हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी के आंकड़ों के अनुसार एक अनुपात 21 है, मतलब हर एक बालक 21 बालक पे एक शिक्षक मौजूद है, पर बालक जाके डीयू और कलेक्ट्रेट में आवेदन दे रहे हैं, 1.5 साल से बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं। सेंट्रल न्यूज़ बन गया वो तो, ठीक है। हाँ, जरूरी भी था, क्योंकि जमीनी हकीकत तो हम लोग जानते हैं कि कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी है सामने सरकार सभी चीजों का भर्तियों का फॉर्म निकाल रही है, खाली शिक्षक भर्ती पे मौन है। अभी आऊंगा मैं, वापसी करूंगा, बस थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का और बात है, थोड़ा मैं सुरक्षित हो जाऊं। चलिए नेक्स्ट, इसमें 4 भाग और 27 अध्याय हैं, इसको इंपॉर्टेंटली याद कर लेना भाई, टफ क्वेश्चन बनाएगा तो दे सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुल कितने पार्ट्स और कितने चैप्टर्स हैं। तो भैया 4 भाग 27 अध्याय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी ऐसी रहती हैं, लोगों से बनती नहीं है। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, ये एनईपी का रूल है, और हालांकि ये एनईपी की एक कमी भी है, क्योंकि जब एक बालक दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाएगा, मान लो फादर का ट्रांसफर हो गया, तीसरी कक्षा का बालक है, अब वो छत्तीसगढ़ से निकल के कहीं पर राजस्थान चले जा रहा है, तो ऐसे में वहां की रीजनल लैंग्वेज में जब पढ़ाई होगी तो तीसरे के बालक के बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये एनईपी के थोड़ा सा कहना चाहिए कि आलोचनात्मक पहलुओं में से एक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मतलब मानव जो MHRD था उसका नया नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी याद रखना, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, पहले भारत में शिक्षा मंत्री का पद होता था, फिर बाद में इसको MHRD में कन्वर्ट कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय समाप्त करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, और फिर 2000 मतलब स्मृति ईरानी आखिरी, स्मृति ईरानी जो थी आखिरी क्या थी, MHRD मिनिस्टर, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की आखिरी मंत्री स्मृति ईरानी, पहले मंत्री नरसिम्हा राव, ठीक है, और आखिरी स्मृति ईरानी रही है, और फिर शिक्षा मंत्री में पहले अबुल कलाम और अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे, इस शिक्षा नीति के जो मतलब प्रवर्तक थे वो कौन थे, के कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, पूरा नाम क्या रहेगा, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो के प्रमुख भी रहे हैं, हेड रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया, एक आला दर्जे के दिमाग ने पूरा एनईपी को डिजाइन किया है, इसरो का हेड होना मतलब आप समझ रहे हो कि भारत का सबसे ब्रिलियंट माइंड। अच्छा, रमेश पोखरियाल जो थे ना, ये मैं बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहे, कारण ये था कि शासन के या ऊपर के ऑर्डर्स को बेचारे ज्यादा नहीं मानते थे, और ये भूल जाते थे कि मंत्रियों को मौन रहना रहता है, वो मंत्री जितना कम काम करे वो ज्यादा बेहतर माना जाता है सरकार के लिए, या जितना कम बोले, ये जितने भी दिन रहे ना, ये भारत के शिक्षा मंत्री के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाए हैं, ठीक है। मतलब कोविड का टाइम रहा है, उस बीच में ये भारत के शिक्षा मंत्री के पद पे थे, और काफी अच्छे नैतिक निर्णय इनके द्वारा लिए गए, तो जो भी कोविड वाले दौर के बच्चे होंगे उनके लिए मन में इनके लिए अलग से सम्मान रहता है। अभी वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, अच्छा काम करने पे ना, आप लोग राजनीति कभी नहीं पढ़े हो ना, पॉलिटिक्स मतलब अपर लेवल वाला, उसमें ये बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए उन्होंने ये तथ्य दिया है कि जो सरकार जितना सीमित काम करेगी, जितना मौन रहेगी, वो सरकार उतनी लोकप्रिय बनती रहती है, ठीक है। मतलब ज्यादा अच्छा काम करने पे भी लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। अभी कौन है जी, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए, कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन 2017 में हुआ था, इसमें टोटल 8 सदस्य और एक अध्यक्ष, 9 लोगों की कमेटी थी ना, पढ़े हो ना, 8 सदस्य और एक अध्यक्ष, कि 7 सदस्य थे जी, 7 सदस्य, तो फिर इसको हटा लो, फिर टोटल कितने सदस्य हो गए, फिर 8, टोटल 8 लोगों की कमेटी रही थी कस्तूरी रंगन कमेटी।
इस शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और 10+2 को बांट दिया गया 5+3+3+4 फॉर्मेट में, जिसमें आपको पता है कि 5 का मतलब क्या होता है, प्री स्कूल, जिसमें आप LKG UKG नर्सरी कवर करोगे और क्लास 1 क्लास 2। फिर 3 में क्या आएगा, तीसरी चौथी पांचवी, फिर 3 में आएगा 6वीं 7वीं 8वीं, और 4 में आएगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो ये आपकी विद्यालय कक्षा 1 स्टार्ट करने से पहले बच्चे को 3 साल पढ़ाने की बात कही गई है, जिसे प्री स्कूलिंग कहते हैं। और उसमें जो उम्र मानी गई थी वो कब से कब तक ली गई है, 3 साल से 3 से 6 तक प्री स्कूल। फिर 6 में कक्षा 1 में बच्चा प्रवेश करता है, 6 साल में बच्चा पहली बार प्रवेश करता है क्लास 1 में NEP के अकॉर्डिंग। शिक्षा नीति 2020 3 वर्षों से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कवर करता है, जैसे हमने बताया 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक बच्चा क्लास 2 में पहुंचेगा। फिर 8 से लेकर 11 में क्लास 5th, 11 से 14 में क्लास 8th पास करेगा, और 14 से 18 में क्लास 12th पास करेगा। तो ये एज रिस्ट्रिक्शन भी याद रख लेना आप लोग कि कौन कौन से टाइम पे क्या क्या एज रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो पहला जो 5 साल है ये 3 से लेके 8 वर्ष तक का है, फिर ये वाला 8 से लेके 11 वर्ष तक का है, ये वाला 11 से 14 साल का है, और लास्ट वाला हमारा 14 से 18 वर्ष का है। तो 18 साल में माना जाता है कि बालक पूरी तरह से क्लास 12 पास करेगा, अगर वो हर साल पास होता है तो, कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, चलिए। इस शिक्षा नीति को MHEB मतलब नेशनल हाई एजुकेशन बिल के तहत लाया गया था और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। नई शिक्षा नीति 2020 से 5+3+3 क्या है, ये मैंने अभी अभी आप लोगों को पूरा बता दिया। ठीक है, कि प्रथम 5 वर्ष जो रहेगा प्री प्राइमरी के साथ 3 साल और 1 और 2 कक्षा सहित फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, मतलब प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी LKG UKG, ये प्री प्राइमरी हो गया। और फिर प्राइमरी में आप जाओगे, प्राइमरी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मानी जाती है ना जी, तो शुरू के 3 तो हो गए और 2 क्लास 1 क्लास 2, इससे बच्चे की नींव मजबूत की जाती है, पढ़ने में उसे लगाव रहे, इस चीज पे काम किया जाएगा। और इसके तहत बच्चों को खेल कूद आदि गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी, खेल विधि का अनुसरण होगा। नेक्स्ट 3 साल में आप लोगों को पता है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 में जाएगा बालक, जिसमें बच्चों को गणित विज्ञान कला सामाजिक विज्ञान पर्यावरण इन सारे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। फिर अगले 3 साल में बालक मध्य चरण मतलब मिडिल स्कूल में आएगा, 6वीं से 8वीं तक। एक इसमें आप लोगों ने 2009 का RTE एक्ट पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कब प्रपोज हुआ था, 2009। अभी के टेट भर्ती एग्जाम में दोनों पेपर में इसके क्वेश्चन आए थे। इसे शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कब से लागू हुआ है, 2009 से। सवाल अभी आप लोगों से पूछ दिया गया था कि कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य या केंद्र की दायित्व है, 14 वर्ष, 6 से लेके 14 वर्ष। अब 14 वर्ष में हम सभी लोग जानते हैं बच्चे मिडिल स्कूल में रहता है, तो शाम वाले पेपर में उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था, हाँ सुबह वाले में एज पूछा, और हम सबको पता रहा 6 से 14, 6 से 14। अब 14 साल में हम मिडिल स्कूल में आगे रहते, तो सवाल अब ये पूछ दिया कि शिक्षा के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के अंतर्गत कौन सी कक्षा के बालक को निशुल्क शिक्षा देना मतलब उसमें सम्मिलित है अधिकार में, प्राइमरी मिडिल अपर मिडिल हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। तो 14 साल के हिसाब से हम आंकड़ा लगा के क्या आंसर मार देते हैं जी, मिडिल स्कूल। बट एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उसको देख लेना। 4 साल बाद बच्चा हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा होगा, बारी पास जीवन में खुश। चलो ये था हमारा NEP। NEP में हमने जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने थे वो एक बार में हमने समेट दिए, क्लियर है, यही सब तो थे हमारे NEP में। हालांकि हमने काफी गहराई में जाके NEP को पढ़ा था, मेरे ख्याल से 5-6 क्लास हुई थी, MCQ क्वेश्चंस भी हमने कराए थे। कोई भी मैं चैप्टर कराता हूँ मैं MCQ जरूर कराता हूँ, ताकि आपको अलग से कुछ ढूंढना ही ना पड़े। अच्छा आज जो है, आज बड़ा सेशन है ना, कल अनाउंसमेंट किया था, देखे थे नहीं, देखे थे, 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लगातार आप लोग की कंप्यूटर CDP की बड़ी क्लास है, मतलब 500-600 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और जितना आप लोग का कल परसों जो पेपर है उसके जितने इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वाइज है, पूरा का पूरा आज कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हो, ठीक है,
यूट्यूब पे मैं लूंगा क्योंकि यहाँ तो ऐप पे अलग से क्लास चलते रहेगी, तो 9 बजे से मैं शुरू करूंगा और शाम को 5 बजे तक 8 घंटे की मेरी इंडिविजुअल लगातार क्लास रहेगी। उसमें आपके करंट अफेयर्स और ये सब भी जोड़ देंगे, ठीक है? तो जरूर ये 2 सेशन जो आज और कल होने वाला है देख लेना, ठीक है? मेरे कई सारा काम था पर मैं उसको अभी अवॉइड करके आज और कल 2 दिन बड़ा क्लास ले लेता हूँ। चलो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जिसको आप नेशनल एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ के नाम से जानते हो, इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कब प्रपोज हुआ? 2005। राइट टू एजुकेशन 2009। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, याद रहेगा ना? चलिए, ऐप में पूरी क्लासेस आ जाएंगी, सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है? और ऐप में एक साथ दो क्लास नहीं होता, इसलिए वो वाला क्लास जो बड़ा एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा वो यूट्यूब पे रहेगा, और सारे शिक्षक भर्ती वाले भी जितने अभ्यर्थी हैं सबको उसको देखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर भी आपके में 10 नंबर का है और सीडीपी भी रहता ही है। सारे टॉपिक उसमें आज हो जाएंगे, समावेशी शिक्षा, बाल विकास, आपका व्यक्तित्व, आपका जो भी विकास है उस सिलेबस के अंदर, एक एक को अभी हम लोग डील करते निकलेंगे। चलिए जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप ध्यान देंगे, समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? सब लोग नोट करते जाएंगे, हालांकि ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा, ठीक है? तो प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ के क्या है अध्यक्ष? एनईपी के कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है? संबंधित मंत्रालय कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में एमएचआरडी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भैया एनसीईआरटी से होता है। इसका प्रकाशन या इसकी रूपरेखा, इसकी नियमावली कौन निर्धारित करेगा? एनसीईआरटी, जिसको आप लोग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में हम नाम देते हैं एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक्चुअल में होता क्या है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, शॉर्टकट में सारी चीजों को निपटा रहे हैं। दिव्या साहू जी, आप ना टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपके पब्लिक कमेंट सेक्शन में ना टेलीग्राम का लिंक पहले दिन से दिया हुआ रहता है, उसको लिंक को प्रेस करके आप अपने बैच के टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहां पर आपका हमेशा नोट्स भेज दिया जाता है, ठीक है? तो एनसीएफ क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अगर सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक क्या है साधन है, किसके अनुसार? सेकंड एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, तथा शैक्षिक घटकों के साथ साथ यह भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण की विविधता का भी उत्तरदायी दायित्व निभाते हुए मूल्यों की सामान्य आधार निश्चित कर सके। मतलब बालक को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उसमें सांस्कृतिक, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और आत्मनिर्भर होने का जो हुनर है, उस चीज को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? एनसीएफ की, ठीक है? चलिए, एनसीएफ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं? तो इसमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है, मतलब पूरा स्कूलिंग है, लगभग पूरा स्कूलिंग एज को हम लोग कवर कर रहे हैं, अप टू क्लास 12th तक, ठीक है? इसके लिए 21 केंद्र समूह, सेंट्रल ग्रुप्स बनाए गए हैं, पूरे भारतवर्ष में कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 21, ठीक? एनसीएफ 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज, जो कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रमुख मूल्यों पर आधारित है। तो एनसीएफ में मेनली यही है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर काम करेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की जा सकती। बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आया है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी लिंग का है, ठीक है? या वो गांव से आया है कि शहरों का बालक है, किसी आधार पे, या मानसिक स्थिति उसकी प्रखर है या थोड़ी अल्प है, आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो एनसीएफ टोटली किस पे बेस्ड है? समावेशी शिक्षा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द आते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, बहुलतावादी समाज, जो सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों पर आधारित है। ज्ञान और सूचना के विभेद करना, ठीक?
शिक्षण रटने के स्थान पर बोध का मतलब सीखने का ज्यादा प्रचलन रहेगा। चीजों को आप लोग समराइज करो, रटो, उससे बेहतर है कि हम चीजों को करके सीखें। एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस रहता है। बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया एक प्रमुख साधन है। छात्रों को स्व अध्ययन के अवसर मिले प्राकृतिक संसार का, ठीक है। सामाजिक वातावरण की खोज करना मतलब करके सीखने वाला सिद्धांत है। छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे और पाठ्यचर्या समता समावेशी शिक्षा के लिए होना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं एनसीएफ के। पाठ्यचर्या का बोझ कम होना चाहिए। तो एनसीएफ में एक सवाल आता है, ये मतलब ऑप्शंस में आता है, आज इसे क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एनसीएफ में जो पहले बैग का जो बस्ता जो होता था ना, उसका भार बहुत ज्यादा होता था, है ना, उसको कम किया गया है। किताबी बोझ जो है वो घटाया गया है। तो पाठ्यचर्या का बोझ क्या किया गया है, कम किया गया है। पर्यावरण शिक्षा को अन्य स्कूली विषयों के साथ एकीकृत किया गया है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन आप सब लोग को पता है कि एक ऐसा पार्ट होता है जो हर सेक्शन में रहता है, भले इसके नंबर ना जुड़े पर इसमें पास होना जरूरी है। और आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी डिग्री उठा रहे हो, जैसे हमने इंजीनियरिंग किया है टोटल टेक्निकल डिग्री, बट टेक्निकल में भी इन्वायरमेंट हम हर लगभग हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं मौजूद रहता था, कुछ सेमेस्टर तक तो था ही। तो स्कूल लेवल हो मतलब मिडिल से शुरू हो जाना, प्राइमरी से शुरू हो जाना है, फिर मिडिल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, या आप किसी भी ग्रेजुएशन में आप पहुंचो, हर जगह आपने पर्यावरण का पेपर लिखा है, नहीं लिखा है, बीए हुए वाले लिखे हो, नहीं लिखे हो, बीए में भी रहता है ना, बीएससी में भी रहता है, इंजीनियरिंग में भी था, बीए वाला कोई था, पर्यावरण एक रहता है, हाँ एक तो रहता ही है अपने में, जैसे एक या दो सेमेस्टर रहा था, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, नहीं ये नॉर्मल वाला क्लास है लक्ष्मी जी, मतलब जो रेगुलर क्लास चलता है ना। हालांकि मैं एनईपी और एनसीएफ अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया भी था एनईपी, तो उसको एक रिविजन भी कर रहे हैं, और आपका जो आने वाले एक दो दिन बाद जो पेपर रहेगा उसमें इसके क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मामला है तो अपन कर लेते हैं। एक दो सवाल आएगा तो भी बहुत मायने रखता है ना, बड़ी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन रहेगी उसमें, तो पॉइंट पॉइंट पे कई हजार लोग खड़े हो जाएंगे, इसलिए तुम लोग टॉप मार देना, मामला ही प्रॉब्लम सॉल्व। एक मानवीय छात्र मित्रवत मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाए, ठीक है। ग्रेडिंग पर बल दिया जाए कि ग्रेडिंग सिस्टम में ना बालकों के मध्य ईर्ष्या के भाव कम हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी सीबीएसई ने आपने देखा होगा परसेंटेज सिस्टम को हटा के ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया था, 10 CGPA ऐसा कुछ लोग उठाते थे। अब परसेंटेज में क्या होता था ना, क्लास में फिर एक आदमी रैंक वन आता था, उससे क्या होता था कि रैंक टू बेचारा बहुत बेचारा साल भर डिप्रेशन में जीता था। ये दर्द में बहुत झेला हूँ 3 सालों तक, तो मुझे पता है कितना भी मेहनत कर लूँ, स्टेट रैंक भी आता था तो ससुरे के मेरे से 2 नंबर ज्यादा आ जाते थे। और हम लोग के बीच में ऐसा कॉम्पिटिशन होता था ना क्वार्टरली हाफ ईयरली में भी, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स से ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं था, ठीक है। पर आदमी करते 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 फिर मैं मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब आप किसी को आगे देख के चलते हो ना तो आप हमेशा पीछे रहते हो। शिफ्ट एंड डिलीट, उसको अपने मेमोरी से हटा दो। उस साल मैं रैंक वन आ गया और बहुत बड़ा मार्जिन से भी आया, ठीक है। चलिए, वो लड़का कभी लाइफ में ना फर्स्ट रैंक के अलावा कोई रैंक देखा ही नहीं था। नर्सरी से वो टॉपर है मतलब था, तो 9th 10th में उसको क्रैश हुआ, उसके बाद वो बेचारा लाइफ के उससे हट गया, पढ़ाई छूट गई। इसलिए पढ़ाई को आप इतना हावी मत होने दिया करो, कूल रहा करो। अभी वो है मदरसे में मौलवी बन चुका है, धर्म ज्यादा हावी हो गया, ठीक है, मुस्लिम था। चलिए, मतलब इतना गंदा कंपटीशन था कि वो 8th मेरिट में स्टेट रैंक वन वो आ जा रहा है, उसे 2 3 नंबर पीछे चल रहा हूँ मैं, चौथे पांचवे पे आ रहा हूँ, पर क्लास में तो दूसरा है ना, भले स्टेट में आए तो आए, ठीक है। तो ग्रेडिंग पर बल दिया जाता है, विद्यालय प्रणाली और अन्य नागरिक समूहों में भागीदारी बनाई जाए, विवेचनात्मक शिक्षा साख पर बल दिया जाए, मतलब बच्चे चिंतन कर सके,
कोई भी जो समस्या है उसके समाधान में बालक सक्षम हो सके, ये एनसीएफ की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहेगी। शिक्षा में गुणवत्ता और उत्तरदायित्व को निश्चित किया जाए, ठीक है, और अधिगम में छात्र की सक्रियता सुनिश्चित हो, क्योंकि एनसीएफ टोटली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही काम कर रहा है, तो जितने ज्यादा छात्र करके सीखेंगे उस सिद्धांत पर एनसीएफ क्या करता है, ध्यान देता है। अधिगम में चिंतन की सरलता की उपलब्धता हो, अधिगम में शैक्षिक तकनीकों का भव्यता हो। इसलिए आजकल आप देखो गवर्नमेंट स्कूलों में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, इस टाइप के बड़े बड़े पैनल लगाए गए हैं, ठीक है, पूरा डिजिटल क्लासरूम बनाया जाता है। अभी तो पैनल आने लगे, इसके पहले भी उन लोगों में प्रोजेक्टर वोजेक्टर भले ही लगे रहते थे, दिमाग खाते रहते थे, वो अलग बात है, पर हर स्कूल में गवर्नमेंट इतना काम करके दे देती है, अब वो टीचर लोग कोऑपरेट करने नहीं आता है, ठीक है। बकायदा जैसे हमारे इलाके के जितने गवर्नमेंट स्कूल है सब में पैनल लग गए हैं, प्रोजेक्टर तो पहले से लगे हुए थे, तो हर डिजिटल चीजें जो जरूरी है आज के जमाने के हिसाब से सबसे पहले सरकारी स्कूलों में पहुंचती है, ठीक है। समृद्ध संपोषित अनुभावनात्मक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना, और संप्रेषण और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी बालक ज्यादा बेहतर विकास कर पाएगा। तो ये थे आप लोग के एनसीएफ से रिलेटेड चीजें। अब आते हैं सर जिस पे विवाद चल रहा है, एनईपी के अकॉर्डिंग डाटा ये होना चाहिए, और अभी छत्तीसगढ़ में जो डाटा चल रहा है वो आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रवेश के लिए अभी जो युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया आई है उसका आधार यही माना गया कि सर 60 बालक तक अगर है किसी विद्यालय में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक, तो कितने शिक्षकों की अनिवार्यता है, दो, मतलब एक हेडमास्टर और एक टीचर। पर मामला ये है कि यार विषय तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, मतलब गणित भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, छोटे बालकों को भी विज्ञान का भी थोड़ा सा है, तो ऐसे में भले स्टूडेंट स्ट्रेंथ कुछ भी रहे, अरे आप लोग एक लोग भी आओ क्लासरूम में, मान के चलो भले आप 500 लोग आओ या एक आदमी आओ, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करने आ रहे हो तो क्या एक आदमी के लिए मैं कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मुझे तो टीचिंग टीम रखनी ही पड़ेगी ना जो हर विषय को पूरा पूरा पढ़ाए। अब जैसा भी है सरकार पता नहीं आंकड़ों के हिसाब से कैसे निर्णय लेती है, नहीं पता हमको, तो पता है कि अगर एक बालक भी एडमिशन लेता है तो मुझे तो हर विषय के शिक्षक को रखने ही पड़ेंगे भाई, कोई मैथ्स पढ़ाएगा, कोई अंग्रेजी पढ़ाएगा, कोई विज्ञान पढ़ाएगा, इस टाइप का। चलो छोड़ो, कागजों में ही उनका सारा नियम अच्छा लगता है, 61 से लेकर 90 तक का अगर स्ट्रेंथ है तो कितने शिक्षकों की जरूरत है, 3 शिक्षकों की, 91 से 120 तक में 4 टीचर्स की नेसेसिटी होती है, परंतु वर्तमान में यहाँ पे 3 ही चल रहे हैं, 121 से 200 में 5, एक हेडमास्टर, 4 सपोर्टिंग स्टाफ रहने चाहिए, ठीक है। 150 से अधिक बालक होने पर 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक रहेगा, मतलब 6 लोग की कमेटी रहेगी, और 200 से अधिक अगर बालक बालिकाएं हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि एनईपी या शुरू से ही भारत में ये रूल है कि एक क्लासरूम में आप 40 से ज्यादा नहीं बैठा सकते बच्चों को। इस आधार पर इन्होंने शिक्षकों की गणना कर दी। अब 60 बच्चे हैं, मतलब एक रूम में कितने बैठाएंगे, 40 मैक्स, एक और रूम लग गया ना, तो 2 टीचर, इनके हिसाब से 2 टीचर, ठीक है। फिर 90 तक में 40 40 की 2 बैच बनेगी और एक 10 की, मतलब टोटल 3 क्लासरूम एंगेज हो रही है ना, तो इसलिए शिक्षक भी कितने चाहिए, 3। ये इस आधार पर बना रहे हैं डाटा, जबकि ये नहीं देख रहे यार विषय अलग अलग था, ठीक है, और कहीं ना कहीं 3 टीचरों पर अगर पूरा स्कूल चल रहा है और पहली से लेके 5वीं तक चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला जो नियमावली है उतना सटीक नहीं बैठता है, अलग अलग विषय के टीचर चाहिए होते हैं क्योंकि बच्चों का एजुकेशन उससे बिगड़ता है ना। अब जिस स्कूल में 5 टीचर है स्वाभाविक सी बात है उस स्कूल का एजुकेशन व्यवस्था ठीक रहेगा, क्योंकि एक टीचर बोल नहीं सकता कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी तो 4 बैठे हुए ना कैसे नहीं पढ़ाएगा बोल के। चलिए ये जो अनुपात बनाया गया ना एक्चुअल में वो इस सिद्धांत के आधार पर बनाया गया कि क्लासरूम में मैक्स टू मैक्स कितने बच्चे होने चाहिए, 40, पर अभी एनईपी के अकॉर्डिंग 30, 30 पर एक रहता है, तो 30 पे एक, तो 60 पे 2, 90 पे 3, 120 पे 4, 150 पे या 200 पे 5, ये सिद्धांत इन्होंने लगा दिया। पर
उतना तर्कपूर्ण नहीं रहा। चलो आगे आओ। छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए बात हो रही है, तो कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक किस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। पहला, विज्ञान और गणित के लिए एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए एक शिक्षक, और भाषा विज्ञान के लिए एक शिक्षक। और प्रत्येक 35 बालकों पे कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए मिडिल स्कूल में। कहाँ पे? मिडिल स्कूल में। ठीक है, चलिए ये पूरे रूल्स हैं। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है, वहां एक पूर्वकालीन प्रधान अध्यापक और कक्षा शिक्षा, सॉरी, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालीन शिक्षक मौजूद रहना चाहिए। मतलब वहां पर एक आपका फिजिकल टीचर भी होना चाहिए, जिसको आप पीटी टीचर बोलते हो। ठीक है, ये तब लागू किया जाएगा जब बच्चे 100 से ज्यादा हो। 100 से कम जो बालक है, तो क्या उनको पीटी टीचर मिलने का अधिकार नहीं है क्या? उनके विकास में खेल का कोई महत्व नहीं है क्या? यार नाइंसाफी है ना ये। ठीक है, 99 बालक है तो फिर क्या वो खेलेंगे ही नहीं? एनईपी तो बोलता है सर्वांगीण विकास होना चाहिए भाई, और बिना खेल के मस्तिष्क का तो विकास नहीं होता। चलिए, इन लोग गणित बैठा के ना नियम बनाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसका प्रभाव क्या बनने वाला है या क्या पढ़ने वाला है। आइए, मिड डे मील आप लोग को पता है प्राइमरी लेवल तक में और मिडिल स्कूल तक में भी कई कई जगहों पे आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में मिड डे मील नहीं चलता है। मिड डे मील योजना कब से चालू हुई थी? मिड डे मील योजना और इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री सुपोषण योजना का नाम दे दिया गया। चलिए, प्राइमरी लेवल में कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से 8 तक में मिड डे मील में पूरा डिवीजन किया गया है कि बच्चे को जो पौष्टिक आहार है वो किस किस प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। तो भैया कैलोरी जो मिलनी चाहिए प्रति ग्राम में 450 कैलोरी का, उस मतलब जो भी भोजन बनाया जाए इस स्तर को ध्यान में रखा जाए। और मिडिल स्कूल में 700 कैलोरी, प्रोटीन 12 ग्राम, उसमें 20 ग्राम है चावल, 100 ग्राम, और वहां पर 150 ग्राम प्रति बालक के ऊपर बात हो रही है। दाल 20 ग्राम, 30 ग्राम सब्जी, 50 ग्राम वहां पे, 75 ग्राम, और फैट जो रहेगा 5 ग्राम, यहाँ पे 7.5 ग्राम। ठीक है, कभी खाया कि नहीं खाया मिड डे मील का खाना? फुल अच्छा लगता था, पता है सब्जी लेने जाता। स्कूल भले नहीं जाएंगे, ड्रेस पहन के ना लंच के टाइम पहुंच जाएंगे। ट्रेनिंग के टाइम गए थे, बढ़िया। तो अपना टिफिन नहीं ले जाते थे मतलब? ये बीएड वालों का तो मगर प्राइमरी में नहीं लगाते ना ट्रेनिंग, मिडिल में रहता है। डीएलएड वालों तो गए होंगे ट्रेनिंग में। अच्छा, तो ऐसे हम लोग बीएसपी में जब ट्रेनिंग कर रहे थे ना, इंजीनियरिंग जब कर रहे थे, तो 1 महीने की ट्रेनिंग लगी थी। तो बीएसपी में कैंटीन बहुत सस्ता है, वहाँ आपको आई थिंक 5 या 10 रुपए में डोसा मिल जाता है और 1 या 2 रुपए में समोसा मिलता है था। मतलब तब की बात है, अभी तो प्राइवेटाइजेशन होने लगा हर जगह, पर पहले बीएसपी का कैंटीन लिटरली बहुत सस्ता था। 1 रुपए में 2 समोसे मिलते थे, बालूशाही 1 रुपए का सबसे महंगा आइटम, वो इतना बड़ा मिलता था। ठीक है, अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो हम लोग ना कभी गोल नहीं होते थे। मैं तो 28 का 28 दिन ट्रेनिंग लिया हूँ। और ट्रेनिंग के 1 घंटे पहले पहुंच जाता था मैं तो। नहीं मतलब सारे कॉलेज वाले आते थे ना, तो हमारा वो पार्टी स्पॉट था। मतलब एक साथ बैठते थे, अपना मिलना जुलना भी हो गया, दोस्ती यारी भी हो गई, और नाश्ता खाना भी हो गया। उसमें कोई एक आदमी महान भी बन लेता था, मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ। 200 रुपए के अंदर सबका हो जाता था व्यवस्था। आइए, मुद्रालय आयोग माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, 23 सितंबर 1952 मतलब आजादी के बाद, और पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर स्टार्ट होती थी 1952 से।
और पहला आम चुनाव भी कब हुआ? 1952, ठीक है, क्योंकि 1947 में स्वतंत्र भारत में जो सरकार बनी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और अन्य मंत्री भी बने, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम नहीं था ना, वो अपने में बात हो गई थी कि तू प्राइम मिनिस्टर बन जाना, तू एजुकेशन संभाल ले, तू डिफेंस संभाल ले, अंबेडकर जी को लॉ दे देते हैं, उन्होंने संविधान लिखा है, इस टाइप से बातचीत में बात हो गया था। पर पहला आम चुनाव आप लोग को इसी टाइम पे देखने मिला, भारत सरकार ने डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। तो मुदालियर आयोग आप लोग को कब देखने मिलता है? शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए सबसे पहला काम मुदालियर आयोग ने किया, ठीक है। सब साउथ इंडियन ही रहते हैं, इधर देखो लक्ष्मण स्वामी, अभी एनईपी का देख रहे हो क्या, कृष्णा स्वामी, स्वामी नाम देखते ही समझ जाते हैं हम लोग, सब गजब ब्रिलियंसी रहती है भाई वहां। सिफारिश में देखिए तो इन्होंने क्या क्या सिफारिश की इस आयोग ने, तो पाठ्यक्रम में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने और विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार रखा गया, किस कमेटी के द्वारा? मुदालियर कमेटी, ठीक है, जिसने पहली बार भारत में रिफॉर्म्स लाने शुरू किए थे एजुकेशन में, 1952 के टाइम की बात चल रही है। इसके क्या क्या उद्देश्य थे, तो क्या क्या उद्देश्य थे तो उसको एक बार देख लीजिए। अरे यार, पहला, भारत में तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उस संबंध में सुझाव देना। दूसरा, बच्चों को व्यावसायिक ज्ञान होना चाहिए, जो आज की डेट में एनईपी का सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। एनईपी आत्मनिर्भर बनाने पे काम करती है, इसलिए आपको क्लास 6, जैसे ही आप मिडिल स्कूल में इंटर करोगे, आपकी कौशल शिक्षा आरंभ कर दी जाएगी, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा या कुछ कुछ और एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स हो गया या किसी भी अलग अलग कौशल का ज्ञान क्लास 6 से ही लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना, सबसे पहले जमाने में तो, या 1950 के टाइम में भी अगर आप देखोगे, या 60-70 के टाइम पे भी, तो एटमॉस्फेयर हमारा डेमोक्रेटिक नहीं था ना, छुआछूत, किसी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं और आज भी ये दिखती है, आपके स्टेट में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये स्वर्ग है, मैं तो बार बार बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ मतलब स्वर्ग है। यहाँ इस क्लास में अगर जितने भी स्टूडेंट होंगे, ज्यादातर बालिकाएं होती हैं, अभी मैं घूम के आ रहा था ना, मैं बताया 1,000 बच्चों पे 30 बालिकाएं होंगी, 970 बालक थे, तो वो बता रहा है, समाज का वो आईना दिखा रहा है कि हाँ आज भी बहुत हद तक बहुत से राज्यों में बालिकाओं को वो अधिकार नहीं मिले। क्या लड़कियां टैलेंटेड नहीं है? छत्तीसगढ़ में देखो, कोई भी रिजल्ट आ जाए, बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आए, 8वीं का रिजल्ट आए, 12वीं का रिजल्ट आए, एक साल जब कभी बालकों का परसेंटेज बालिकाओं पे डोमिनेट किया हो, हुआ ही नहीं है इतिहास में, हर बार ओवरऑल जो परसेंटेज आता है हमेशा बालिकाओं का ही ज्यादा रहता है, ठीक है। अलग दुनिया है, मतलब बहुत आपको खुश रहना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ जैसे इतने खूबसूरत से राज्य में रह रहे हो। हमारे तो ध्यान में भी नहीं आता कि हमको कोई रोकेगा करके, रहता है क्या? अलग अलग जिलों से आप आके बैठ के पढ़ रहे हो, हम कभी बाहर जाके नहीं पढ़ पाए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमारे टाइम जीत फाउंडेशन जैसे कोई कोचिंग भी तो नहीं था ना, जो 4,000-5,000 में पढ़ा दे ऑफलाइन में, वो भी एक साल बहुत सारे लोग तो यहाँ पर एक साल हो ही गया होगा, अक्टूबर से आए होंगे, अक्टूबर में बैच चालू हुई थी, और फिजिक्स वाले जो पीछे बैठते हैं उन लोग तो तब से आए हुए हैं। चलो, प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास करना, मैं बोलता हूँ आओ बैठ के पढ़ो, क्या ही करना है, पढ़ाई कर रहे हो, गुनाह थोड़े भी कर रहे हो, इसलिए ऑनलाइन में भी हम लोग पूरा मदद करते हैं यार, बस पढ़ो। चलो, आदर्श नागरिक तैयार करना, मानवीय गुणों का विकास, बालक के व्यक्तित्व के विकास के सभी संभावनाओं पर विचार करके उनके अनुसार कार्य करना तथा उसे एक अच्छे नागरिक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना, ठीक है। ये सब एनसीएफ के उसमें आ रहा है ना, मुदालियर आयोग में। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या क्या गुण होने चाहिए, पहला, पाठ्यचर्या निर्माण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को व्यापक और वास्तविक बनाया। दूसरा, उपयोगिता और सहसंबंध पर विकसित करने का सुझाव दिया, ठीक है, मतलब
बालक को खाली किताबी ज्ञान ना दिया जाए, उसके साथ साथ उसकी जितने भी पहलू हैं उसमें उसको डेवलप किया जाए। स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव, क्योंकि पहले के जमाने में आपको पता है बहुत रेयर होता था, मतलब प्राथमिक मिडिल स्कूल तक तो बालिकाएं पढ़ लेती थी, पर हायर स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल बहुत आपको पता है सीमित होते हैं और कई कई किलोमीटर पे होते हैं। 7 किलोमीटर के रेडियस में एक हायर सेकेंडरी स्कूल गिरता है, साढ़े मतलब 4 से 7 के बीच में। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी थोड़ी सी रूढ़िवादिता, अब तो खैर हम 21वीं सदी के 2020 में जी रहे हैं, आज से आप 50 साल 70 साल पीछे जाओगे तब की स्थिति बहुत अलग रही होगी। तो 7 किलोमीटर दूर बालिकाओं को भेजना संभव नहीं हो पाता था, ठीक है, कौन, ऐसे दिक्कतें थी, ठीक है। अब तो भैया साइकिल वाइकिल सब दिया जाता है ताकि वो खुद से ट्रेवल कर सके, ठीक है। और ये साइकिल वितरण होता है ये केवल अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जाता है कि सभी बालिकाओं को मिलता है? तो ये सभी को मिलता है, ठीक है। असमान, सॉरी, स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव, इस आयोग ने बालक बालिकाओं की शिक्षा में असमानता ना करने का सुझाव दिया और बालिकाओं को बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य में क्या क्या है? छात्रों का व्यक्तित्व विकास किया जाएगा जिसमें उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास सम्मिलित रहेगा, ठीक है। और गरीबी रेखा से नीचे रहना चाहिए भाई, कोई गरीबी रेखा से ऊपर है तो अपना बाइक पे आ जाएगा, स्कूटी पे आ जाएगा, चलिए उसमें कास्ट नहीं देखते, बाकी स्कॉलरशिप में आपका कास्ट सिस्टम चलता है। तो ये था हमारा एनईपी और एनसीएफ से रिलेटेड फैक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है। एक बार पूरा का पूरा हम लोग रिवीजन कर लें जल्दी से। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1968। द्वितीय? 1986। माध्यमिक शिक्षा में सबसे ज्यादा काम करने वाले आयोग का नाम? मुदालियर आयोग। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। इनके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी, ठीक है, क्या थे? और उधर अपने एनईपी 2020 के हेड कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। और एनईपी में कितने सदस्य थे जी? 8 सदस्य थे। इसका एनईपी जो 2020 है लागू कब से किया गया भारतवर्ष में? 29 जुलाई 2020 से। और पहला राज्य कौन बना एनईपी लागू करने वाला? उत्तराखंड। अभी वर्तमान में सबसे नवीनतम राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है, 2023 में एमपी में लागू हुआ, 24 में आके छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, ओके। और एनसीएफ जो है कब से एग्जीक्यूशन में आया? 2005 से, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 से लागू है। और इसी के आधार पे आरटीई बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो 2009 में बना। उसमें 2 पॉइंट जो अभी आप लोग के टेट परीक्षाओं में पूछे गए, प्राइमरी में भी और मिडिल वाले में भी, कि भैया उम्र क्या रहेगी? तो 6 से 14 साल। और कौन से कक्षा के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी है? तो प्राथमिक। एनईपी में अभी आपको पता है 10+2 वाला सिस्टम हटा दिया गया, अब उसको क्या सिस्टम में डाला गया है? 5+3+3+4, जिसमें 5 का मतलब क्या है? प्री प्राइमरी में नर्सरी एलकेजी यूकेजी प्लस क्लास 1 क्लास 2। फिर 3 में 5 से 3 से लेके 8, शुरुआत वाला जो था उसमें उम्र सीमा क्या है? 3 साल से लेके 8 साल, 5 साल, ठीक है। फिर 3 साल में 8 साल से लेके 11 साल, जिसमें बालक तीसरी चौथी पांचवी कक्षा पढ़ेगा। और फिर 3 साल है जिसमें आप मिडिल स्कूल बोलोगे, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ेगा, उम्र रहेगा 11 से लेके 14 वर्ष तक। तो 14 वर्ष में माना गया कि बालक मिडिल क्लास 8वीं पास कर जाएगा। और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जिसको आप हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी बोलते हो, इसके लिए 4 साल का प्रावधान रखा गया है। उम्र क्या रहेगा? 14 से लेके 18 साल। इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, ओके, याद रहेगा सभी लोगों। चलिए अभी अगर मान लीजिए किसी एक विद्यालय में 90 से लेकर 120 तक बालक है, तो कितने शिक्षकों का प्रावधान है प्राइमरी के अकॉर्डिंग? 90 से लेके, आप 30 से भाग दे देना, किससे भाग दे देना? 30 से, क्योंकि एनईपी ने यह संशोधन किया है कि हर 30 बालक पे एक शिक्षक रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका 120 शिक्षक है, सॉरी बालक है,
शिक्षक 120 में तो मजा ही आ जाता, फिर गांव ही पढ़ लेता। ठीक है, तो कितने शिक्षकों का प्रावधान रहेगा? चार। और अगर 150 या उससे अधिक होंगे तो पांच शिक्षक और एक हेडमास्टर रहेगा आपका। 200 से अधिक है। अच्छा, जो पीटी टीचर्स हैं वो कितने स्ट्रेंथ के ऊपर आते हैं? 100 एबव पे आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारा सेक्शन है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, और एनईपी एनसीएफ दोनों आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। ठीक, एनसीएफ जो आया था वो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी का, मतलब उसके सुझाव के अंतर्गत वो जन्म लिया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष एनसीएफ के याद रखना प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो, तो हमारा एनईपी एनसीएफ होता है कंप्लीट, आपके एग्जाम के लिए ये कारगर रहेगा, और एनईपी से रिलेटेड कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वो आपके सामने है, देख लिए रहना, तो कई बार पूछ देते हैं। ठीक है, मिलते हैं।